मेष राजे ट्यू अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती है। आपको थोड़ी सुस्ती भी महसूस होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से फायदा हो सकता है। बिजनेस की शुरुआत सुस्त रहेगी। धीरे धीरे कामकाज में गति आ सकती है। संतान के कामकाज पर नजर रखनी होगी। संतान को समय भी देना पड़ सकता है। बड़े सपने देखेंगे लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा। उच्च और बौद्धिक वर्ग में सम्मान मिल सकता है। नेगेटिव, कुछ कामों में सफलता नहीं मिलने से मूड भी खराब हो सकता है। पैसों की देनदारी के मामले को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। अचानक कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खान पान में गड़बड़ी के योग बन रहे हैं। क्या करें, किन्नरों को पैसे या हरी चूड़ियां दें? लव पार्टनर का मिजाज अच्छा हो सकता है। आपकी भावनाओं का भी सम्मान हो सकता है। पार्टनर आपके मन की बातें बिना बोले ही समझ सकता है। करियर रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। आपका कारोबार भी बढ़ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा हो सकता है। सफलता मिल सकती है। मन भी प्रसन्न रहेगा। हेल्थ, सेहत पर ध्यान दें। ज्यादा भोजन करने से तकलीफ हो सकती है। वृषभ, बिगड़े हुए काम और स्थितियों को कोशिश करके सुधार सकते हैं। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। नए संबंधों से फायदा हो सकता है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कामकाज और उसके लिए जरूरी लोगों को समझें। कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है। प्रेमी या किसी करीबी दोस्त के साथ आपकी बोलचाल लगभग बंद थी तो आज शुरू हो सकती है। राजनीतिक और सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। नेगेटिव, बिजनेस और नौकरी में कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकता है। लोगों से काम करवाने के लिए व्यावहारिक तौर पर सावधान रहें। परिवार के मामलों की अनदेखी ना करें। पैसों की चिंता दिन भर हो सकती है। नौकरी और बिजनेस वाले दुश्मनों से परेशानी हो सकती है। कुछ संबंधों में तनाव भी हो सकता है। खर्चों में कमी करने की कोशिश करें। क्या करें, किसी ब्राह्मण को खीर खिलाएं? लव, जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन रहेगी। लव अफेयर के मामलों में किसी तरह का डर बना रहेगा। करियर, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिजनेस में भी थोड़ा फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। दोस्तों से सहयोग मिल सकता है। काम की कोई बात पता चल सकती है। हेल्थ, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। मिथुन, पॉजिटिव, परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो जल्दी सफल हो सकते हैं। ऑफिस के कुछ काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में भी बदलाव करने पड़ सकते हैं। बिजनेस करने वालों को जितना काम मिलता जाए उतना ही स्वीकार करते जाएं। एक एक करके काम निपटाएं। नए कामकाज की योजना बन सकती है। किसी तरह का निवेश करने के प्ले ठीक से चेक कर लें। मेहनत का पूरा फल भी आपको मिल सकता है। आने वाले दिनों में फायदा होने के योग बन रहे हैं। आपके कामकाज की क्षमता और बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग है। नेगेटिव, खान पान पर कंट्रोल करना पड़ सकता है। एक साथ कई तरह के काम हाथ में लेने से मानसिक परेशानी बढ़ने की संभावना है। कुछ कामों में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण धन हानि के योग बन रहे हैं। क्या करें, से 50 साल के किसी ब्राह्मण को अनार दान दें? लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। पुरानी बातें आपके सामने आ सकती हैं। मतभेद होने के भी योग हैं, लेकिन दिन अच्छा रहेगा। करियर, नए काम और रोजगार के ऑफर मिल सकते हैं। कारोबार में साझेदारों की मदद मिल सकती है। आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हेल्थ, सिर दर्द और नींद की कमी हो सकती है। पेट संबंधी समस्या रहेगी। कर्क, पॉजिटिव, आपकी व्यावहारिकता पर भावुकता हावी हो सकती है। अपनी सभी योजनाएं और विचार अच्छी तरह दूसरों को समझा सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है।
पुरानी समस्या का कोई नया ही क्लू आपके सामने आ सकता है। ऑफिस के अधूरे काम निपटाने के लिए दिन ठीक कहा जा सकता है। रोमांस के लिए भी दिन अच्छा है। पार्टनर आपकी बात मानेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। बिजनेस और नौकरी में आपका महत्व और प्रभाव बढ़ सकता है। नेगेटिव जायदाद से जुड़े बड़े फैसले आज ना लें। किसी चीज की खरीदारी के लिए आप पर पारिवारिक दबाव बन सकता है। बड़े फैसलों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने से अनजाना डर परेशान करेगा। मानसिक तनाव रहेगा। कोई काम शुरू करते समय कई तरह के नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। असफलता के साथ ही धन हानि का डर भी हो सकता है। क्या करें, अनाथालय या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान दें? लव, अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। अविवाहित लोगों को अचानक सरप्राइज मिल सकता है। करियर धन हानि के योग बन रहे हैं। किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। बड़ा निवेश करने से बचें। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक नहीं कहा जा सकता है। मानसिक तनाव के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हेल्थ सेहत को लेकर संभल कर रहें। छोटी दुर्घटना या चोट लग सकती है। सिंह पॉजिटिव, अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही सफल हो सकते हैं। परिवार को लेकर ज्यादा ही पजेसिव हो सकते हैं। परिवार की कोई पुरानी अनबन भी खत्म हो सकती है। लचीले व्यवहार के दम पर साथ काम करने वालों के साथ समझौता हो सकता है। ऑफिस के काम ज्यादा रहेंगे। सेहत पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों और भाइयों के साथ समय बीतेगा। आपकी परेशानी ज्यादा समय की नहीं रहेगी। आलस्य छोड़कर एक एक करके काम हाथ में लें और काम समय पर करें। कोशिश और दूरदर्शिता से आपको मदद मिल सकती है। नेगेटिव, आपके कुछ विचारों के कारण परेशानी बढ़ सकती है। उन आदतों को सुधारने की कोशिश करें जो नुकसानदायक हैं। घर परिवार के कामों पर कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। पैसों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी खास काम को लेकर कंफ्यूजन या आलस्य रहेगा। कई मामले और काम के बोझ से आप परेशान रहेंगे। क्या करें, आज सुगंधित तेल का उपयोग ना करें। लव, विवाहित लोगों को आज अपने जीवन साथी से सुख और प्रेम मिलेगा। करियर बिजनेस को लेकर टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स को साथियों से सहयोग मिल सकता है। पढ़ाई में भी मन लगेगा। हेल्थ, पेट और कमर दर्द की संभावना है। चोट भी लग सकती है। संभल कर रहे। कन्या पॉजिटिव, धन लाभ हो सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात या फोन पर बात हो सकती है। बातचीत, इंटरव्यू या सौदेबाजी के लिए दिन अच्छा हो सकता है। दोस्तों और साथियों के दम पर आपके ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियां आप अगले दिन के लिए टाल सकते हैं। पुराने और बड़े लोगों से मुलाकात के आयोग है। अधूरे काम पूरे होने की संभावना है। भूमि संबंधी लेन देन में रुचि बढ़ेगी। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना आपके सामने आ सकती है। नेगेटिव, कार्यक्रम में आपको बदलाव करना पड़ सकता है। ऑफिस में बिजी हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। मन में उथल पुथल हो सकती है। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। परिवार के कुछ मामले उलझ सकते हैं। खुद से ज्यादा दूसरों पर खर्चा करना पड़ सकता है। क्या करें, लाल कपड़े में सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। लव, प्रेमियों के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होने के योग हैं। करियर कारोबार बढ़ सकता है। अचल संपत्ति से फायदा होने के योग हैं। स्टूडेंट्स का समय दोस्तों के साथ बीतेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा। जॉब या नया कोर्स करने का मन बनेगा। हेल्थ, सिर दर्द और पेट के रोग रहेंगे। तुला पॉजिटिव, बिजनेस करने वालों को अच्छी प्लानिंग से सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा साबित हो सकता है। नए लोगों से प्रोफेशनल संबंध बन सकते हैं। कामकाज में जितनी मेहनत करेंगे उतनी तारीफ और सम्मान भी आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ रखें। इससे आपको फायदा होगा। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिल सकते हैं।
ध्यान रखें कि नौकरी और निजी जीवन के मामलों में आप जो भी फैसला करेंगे उसका असर लंबे समय तक हो सकता है। दोस्त आपसे प्रभावित हो सकते हैं, जीवन साथी से प्यार से पेश आएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। नेगेटिव आज आप किसी व्यक्ति के बारे में ना तो ज्यादा टिप्पणी करें और ना ही किसी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला लेने की कोशिश करें। नौकरी धंधे में आपका मूड भी आक्रामक हो सकता है, इसका नुकसान आपको हो सकता है। लाइफ पार्टनर की कुछ आदतों पर आपको गुस्सा आ सकता है। कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें, आपके कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। धन हानि के योग बन रहे हैं, संभल कर रहें। क्या करें, किसी गरीब को पीली मिठाई दें? लंबी थी और सलीकेदार बातचीत से लव लाइफ और मधुर हो सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, करियर अचल संपत्ति से भी फायदा होगा। कपड़ा व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को तनाव हो सकता है, किसी से विवाद हो सकता है। हेल्थ पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, इस राशि के हार्ट पेशेंट संभल कर रहे। वृश्चिक राशि, आप में कामकाज निपटाने की एनर्जी बहुत रहेगी, मन पर कंट्रोल रखें। मेहनत का परिणाम आपके फेवर में हो सकता है, किसी काम के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ सकती है। खुद पर ध्यान दें, बॉडी लैंग्वेज और आदतों में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते हैं। लोगों से आपको मदद मिल सकती है, आप कोई नई चीज सीख सकते हैं। आज आप प्रेमी से अपने मन की बात भी कह सकते हैं। यात्रा का योग बन रहा है, पुराने मामलों को लेकर भी यात्रा हो सकती है। आप किसी काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो सकते हैं, अधिकारियों से भी कामकाज में सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव, कुछ मामलों में आप मायूस हो सकते हैं, थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। किसी कारण से या बेवजह ही आप उदास हो सकते हैं, किसी की अनदेखी का शिकार भी हो सकते हैं। जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको थोड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। कामकाज के लिए समय नहीं निकाल सकेंगे, क्या करें? रोटी पर थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाएं, लवक पल्स को खुशियां मिल सकती है। जीवन साथी से भी सुख मिलने के योग बन रहे हैं। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा हो सकता है, प्रमोशन के चांस है। प्लेसमेंट में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हेल्थ सेहत ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोग सावधान रहे। धनु, पॉजिटिव सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर काम निपट भी सकते हैं। काम पर बार बार विचार करने का मौका मिल सकता है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग नई योजनाएं बना सकते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अपने दोस्तों और मददगार लोगों की इज्जत करें, उनको सम्मान दें, किसी दोस्त को गिफ्ट भी दे सकते हैं। समय का सदुपयोग करें, दोस्तों की मदद से कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, कोई बात या सूचना आपको हैरान कर सकती है, बस करने से बचें। परिवार की खुशी के लिए कुछ इच्छाएं भी मारनी पड़ सकती है, फालतू काम और बातचीत में समय खराब होने के योग हैं। खर्चा भी ज्यादा होने के योग बन रहे हैं, मानसिक और शारीरिक थकान भी महसूस हो सकती है। क्या करें, लोहे की कोई जंग लगी, खराब चीज ऑफिस घर या दुकान से हटा दें। लव विवाह योग्य लोगों को प्रस्ताव मिल सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है, साथ काम करने वाले अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। करियर किस्मत का साथ मिल सकता है, अचानक रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग हैं, कारोबार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। स्टूडेंट्स को भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ, अगले के रोग हो सकते हैं, ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्म चीजें खाने से बचें। मकर, पॉजिटिव ऑफिस में साथ काम करने वाले और बड़े लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत होने के योग हैं। इसमें आपको खुशी मिल सकती है, कुछ नया भी सीख सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं, आपके विचारों को भी महत्व दिया सकता है। कोई दोस्त या साथ काम करने वाला आज कंफ्यूज हो सकता है, खास लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आप काफी बिजी हो सकते हैं, पुरानी बातों भी आपको याद आएंगी। अच्छा
और मीठा बोलकर आप अपने काम पूरे कर सकते हैं। निगेटिव आलस्य और थकान के कारण कुछ खास काम भी अधूरे रह सकते हैं। करियर के कुछ अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। आपका पैसा भी कहीं उलझ भी सकता है। क्या करें? कौरों को हल्दी वाली रोटी खिलाएं। लव पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिलेगा। आपके संबंधों में सुधार हो सकता है। करियर, नौकरी और बिजनेस में फायदे के योग हैं। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, वाहन का उपयोग सावधानी से करें। पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं। नींद की कमी हो सकती है। सिर दर्द या पेट खराब हो सकता है। कुंभ पॉजिटिव, हर काम को धैर्य और समझदारी से निपटाने की कोशिश करें। इस राशि के कुछ लोग रोजगार की तलाश में रहेंगे। टेक्निकल फील्ड वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा होने से आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। आपके लिए दिन बहुत हद तक सकारात्मक हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। लोगों की नजर आप पर रहेगी। जमीन जायदाद में रुचि बढ़ सकती है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप परेशानियों से निपट सकते हैं। नेगेटिव, दो तरफा बातें करने से बचें। पीठ पीछे किसी की बुराई करेंगे तो फंस सकते हैं। किसी को पैसा उधार देंगे तो पैसा अटक सकता है। परेशानियां भी रहेंगी। क्या करें? बंदरों को मीठी पूरी खिलाएं। लव प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में संभल कर रहें। करियर, पुराने निवेश का फायदा इन दिनों में आपको मिल सकता है। बिजनेस के लिए यात्रा हो सकती है। कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को सहयोग से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, सेहत के मामले में भी दिन ठीक ठीक रहेगा। मीन पॉजिटिव, कुछ नए अनुभवों के लिए तैयार रहे। इनसे आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ सकता है। घर के कुछ काम आज फोन पर ही निपटा लेंगे। बहुत से मामले आपके फेवर में रहेंगे। बिजनेस बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में दिन सामान्य रहेगा। पार्टनरशिप के कारण जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। नेगेटिव, कई तरह के विचार आपके दिमाग में रहेंगे। सोचे हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। आपकी कोई बात दूसरों का दिल दुखा सकती है। चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में होने से आपको सावधान रहना होगा। अचानक खर्चा बढ़ सकता है। कुछ लोग आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं। स्वार्थपूर्ण बातों के कारण कुछ संबंधों में बदलाव के भी योग हैं। बिना जानकारी के कोई बात ना कहे। जो भी बोले सोच समझ कर ही कहे। क्या करे? गाय को आटा खिलाए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। जीवन साथी से खुशियां मिल सकती है। करियर, खर्चा ज्यादा होने के योग है। बिजनेस अच्छे से चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उतार चढ़ाव वाला दिन हो सकता है। हेल्थ, काम काज ज्यादा होने के कारण आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है।